नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई यूएई से दुबई से इंडिया आने वाले यात्रियों के बारे में। जी हाँ, अभी तो यार सरकार ने गोल्ड में छूट भी जो टैक्स था उनको इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि आए दिन लोग पकड़े जाते हैं। जी हाँ, आज हम दो तीन टॉपिक में ऐसा बताऊंगा कि टोटल के टोटल इंडिया के लोग थे जो पंजाब अमृतसर एयरपोर्ट पे पकड़े गए। जी हाँ, पहले केस की हम बात कर लेते हैं भाई कि बता दूं वी से आते समय बता दूं एयरपोर्ट पे 24 ग्राम गोल्ड पकड़ा गया। हालांकि 24 ग्राम गोल्ड कोई ज्यादा नहीं होता भाई, कितना होता है 11 लाख के करीब का गोल्ड था वो पकड़ा गया। जी हाँ, अब देखिए बंदे का लाने का तरीका देखिए किस तरह का खतरनाक था। माउथ ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो पीने का बर्तन वगैरह होते हैं उसके मग, और मग जो कॉफी वाला मग होता है उसके जो उसके अंदर छिपा के लेके आया। जी हाँ, वीए से मैं बता दूं, रसलाल खेमा से एक बंदा आ रहा था 24 ग्राम गोल्ड लेके। उसको गोल्ड को क्या किया, पहले उसने उसको पिघला लिया, पिघला के उसकी पतली एक परत बना ली, उसके बाद कॉफी मग और माउथ ऑर्गन के जो है ना ऊपर जो पीने वाला उसके ऊपर चारों ओर से चिपका लिया। चिपका के तो इतना दिखता नहीं है, पता नहीं लगता, लोहे का होता है, मशीन भी बजती है तो सोचते हैं लोहे का है तो वो निकल जाता। इस तरह से बंदे ने पूरी कोशिश कर ली थी और पकड़ा भी नहीं जाता। हकीकत यह कि वो बंदा पकड़ा भी नहीं जाता, लेकिन उसकी सूचना पहले ही एयरपोर्ट पे मिल चुकी थी, अमृतसर एयरपोर्ट पे। जी हाँ, सूचना पहले ही पुख्ता थी, चेक किया कुछ नहीं मिला बंदे के पास। फिर उसके उसके जो ये मग है माउथ ऑर्गन उसको खोला गया ना, तब पता चला कि इसने इसके अंदर छुपा के गोल्ड लेके आया। इसकी सूचना पहले से थी, अब सूचना किसने दी क्या हुआ भाई वो तो हमें नहीं पता इस बात का। उससे पहले भी बता दूं 19 फरवरी को 36 लाख का गोल्ड वहीं पे एयरपोर्ट पे अमृतसर एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। और सेकंड अगर बात करें तो अमृतसर एयरपोर्ट पे बता दूं 186 ग्राम। जी हाँ, वीआई का बंदा, वीआई से बंदा दिल्ली का यात्री था, लेकिन वो पकड़ा कहाँ गया, अमृतसर में। अब उसने दिमाग ये लगाया कि वीआई में आप वीआई से जो फ्लाइटें ज्यादा आती है तो आपको पता है दिल्ली एयरपोर्ट पे भीड़ ज्यादा होती है, वहां पे सख्ताई थोड़ी ज्यादा है। जैसे उसने सोचा चलो अमृतसर निकल लेते हैं, वहां से आ जाते हैं। ट्रॉली के जो बैग होते हैं, बैग के पहिए, नीचे पहिए लगे होते हैं ना ट्रॉली बैग के, कईयों के चार लगे होते हैं, बड़ी होती है उसके ज्यादा पहिए होते हैं, उस पहियों में उसने देखो रॉड बना के गोल्ड को पिघलाया, फिर जैसे पहियों का आकार था उसमें उसी तरीके से उस गोल्ड को सेट कर लिया। लेकिन भाई कस्टम विभाग वाले हैं, उनकी आंखें बड़ी, उनका टारगेट ही आप लोगों के ऊपर होता है। जैसे ऊपर से नीचे निकलते हो ना वो नजरें मिलाते हैं आपसे कि कौन से बंदे की नजरें हमसे टकराती नहीं है, वो वहीं उनको पकड़ लेते हैं। जी हाँ, ट्रॉली बैग के पहिए से ये गोल्ड जब्त किया गया। जी हाँ, 186 ग्राम गोल्ड की हम बात करें तो गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जी हाँ साथियों, जींस है, जींस के ऊपर एक बेल्ट आता है, बेल्ट में गोल्ड लेके आ रहा था। जी हाँ, लगभग 13,55,000 का गोल्ड उसके जींस पैंट का जो बेल्ट था उसका आगे का हुक होता है बक्कल। अब हो सकता है उसने बक्कल ही गोल्ड का बना लिया होगा, वो पकड़ा गया, या बक्कल में उसने डाल के गोल्ड लेके आया प्लेट बना के, उसको जो एयरपोर्ट पे अमृतसर पे उसको पकड़ा गया। यानी इस तरह से भाई लेके आ रहे हैं, लेकिन बचना चाहिए इसको, क्योंकि वो आगे जो कस्टम विभाग वाले हैं बड़े खतरनाक होते हैं। आप कितना ही दिमाग लगा लो लेकिन वो दिमाग लेते हैं कहां से, आप ही से लोगों से लेते हैं। रोज कितने बंदे आते हैं वो चेक करते रहते हैं, वो दिमाग में उनके आइडिया आते रहते हैं, आप अपना आइडिया फेल होते रहता है, कुछ नहीं होना। तो इन चीजों से बचना चाहिए, गोल्ड लाना है तो भैया उसको टैक्स चुकाओ, इज्जतदारी से आओ तो ही आपका अच्छा रहेगा, वरना तो अखबार में नाम आना फोटो आनी कोई मतलब नहीं रह जाता। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ।